प्रणाम कर रही हूँ आप सभी को एक बार फिर से। आइए चल रही हूँ जवाबी की ओर, जवाबी की ओर चलिए, जिसके इंतजार में आप सभी लोग बैठे हुए हैं। कहना है बिल्कुल इंतजार की घड़ी समाप्त है। अजय भैया, क्योंकि आप ज्यादा थके हुए लग रहे थे, बिल्कुल बात सभी लदबन खा रहा है। सुनिएगा, इंतजार आई है मुंबई वालों की ओर से। और कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने, कहा बेटा फिल्मी दुनिया वालों ने, अरे दिल में चुभा जो कांटा। कोरस देखिए जरा, आप कोरस ही देख रहे हैं। आइए कहना है, सुनिए ना,
सुनो। अरे आयु अनुपम बढ़ती है सुबह हीरा के शिवलिंग से। जब हीरे का शिवलिंग पूजा जाता है तो उसके पूजने से आयु अनुपम बढ़ती है। पहला पेपर महेश का है। एक एक बात को आप नोट करिएगा दादा। सोनू कोरस को देखते हुए बाबा बड़े दयालु। याद रखिएगा मेरी बात को। बाबा दरवाजा खोल दे बाबा। तो हर रोग नष्ट हो जाते सुचि मोती के क्या बोले नाथ ने कहा और आगे सुनो क्या मिला है।
जो सुखों का श्रावण देता है वो है ब्रह्मांड का शिवलिंग। तो कहना अरे से नामपति सर से है बनते दिल में चुभा एक कांटा।
और जागत का शराब में तेरे का पति की अब जरा कल्पना कीजिएगा कि दिल में छुपेगा कांटा लेकिन गुलाब में कैसे निकल जाएगा। वो आग से छलका आंसू जागत का शराब में सोचिएगा पता नहीं क्या क्या लोग लिख देते हैं लोग गा लेते हैं लेकिन थोड़ा सा विचार करिएगा रोशनी जी कि दिल में चुभा जो काटा वो काटा दर्द का प्रतीक है और जब दिल में चुभेगा तो दर्द होगा जरूर और दर्द जब दिल की होती है तो बताने की जरूरत नहीं है गुलाब कौन है। जय हो जय हो। समझिएगा। और एक चीज आपने कहा कि आग से छलका आंसू जा टपका शराब में भाव अलग हो सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि जब दर्द हद से ज्यादा गुजरता है तो लोग मैखाने की याद करते हैं उनको इतना गम होता है कि आंसू छलकते हैं और छलकने के साथ साथ बस समझिए। चलिए गीत आपने बढ़िया गाया है पक्या आपकी कह रही है आप कह रहे हैं क्या कि आयु अनुपम बढ़ती है शुभ हीरा के शिवलिंग से वो हर रोग नष्ट हो जाते सुचि मोती के शिवलिंग से। वाह पहला गीत उतना भी कहां कहां से ढूंढ के लिंग लाई हो बहुत मजबूत गीत है। मैं जवाब के लिए सोच रहा था रोशनी जी कि कितने बार महामृत्युंजय के जाप से किसको क्या फल मिला है कितने कमल पुष्प चढ़ाने से किसको क्या फल मिला है किस धातु का शिवलिंग किसने पूजा है। जवाब में ये बात भी ला सकता था कि किस धातु के शिवलिंग को किसने प्रथम पूजा किया ये है पढ़ाई लिखाई जैसे विश्वकर्मा ने किस धातु का विश्वकर्मा जी ने किस धातु का शिवलिंग किस देवता को दिया है ये भी जवाब में आ सकता था। कई बातें हैं लेकिन अगर अब आप लिंग पकड़ के बैठे और मैं भी वही पकड़ लूं तो बात जमती नहीं रही। अब सुने आप सुनिए सुने आपको मैं जवाब दे रहा हूं आशा करता हूं कि पसंद आएगा आपका। आगे रूप राज्य
है शिवलिंग, तो इधर देखिए रुद्राक्ष दो मुखी को हत्या निवारक, तो हत्या का निवारण करता है दो मुखी रुद्राक्ष, और तीन मुखी से सिद्धि पाए धारक। यानी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो सुने सुने चतुर्मुखी तो प्रभु, चतुर्मुखी तो प्रभु रूप है, और पंचमुखी तो रुद्र का स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र का स्वयं स्वरूप माना गया है। वैसे ही कई मुखी रुद्राक्ष भी है।